हेलो गाइस, स्टार्टिंग फॉर एन अदर एपिसोड। तो हम आ गए हैं बादशाही मस्जिद और ये है लाल किला, दोनों आमने सामने ही हैं। तो अभी हम पहले घूमेंगे बादशाही मस्जिद, उसके बाद लाल किला जाएंगे। ये बादशाही मस्जिद का मेन एंट्रेंस है, तो अभी पहले बादशाही मस्जिद जा रहे हैं। ये है बादशाही मस्जिद और ये है लाल किला। तो यहाँ से आते थे वो बादशाह और यहाँ नमाज पढ़ते थे। बड़ा बेहतरीन किस्म का मस्जिद बनी हुई, खूबसूरत, आप देख सकते हैं। ये बीच से आते थे और यहाँ से इस मस्जिद में। ये है बादशाही मस्जिद। अभी हम जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पर चप्पल्स वगैरह रखवाते हैं। अभी हम हो रहे हैं इंटर। अभी हम आ चुके हैं अंदर, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। लाल किले से छोटी और छोटी है, मगर ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है बादशाही मस्जिद, जो कि लाहौर में है और बड़ी खूबसूरत है। चेक दिस आउट, बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद है। हो बेहतरीन, खूबसूरत और सबसे आला मस्जिद है ये बादशाही मस्जिद। और गाइस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अभी एक बच्चा आया है मेरे पास। क्या चाहिए भाई तेरे को? बता, वैसे चाहिए? किस लिए चाहिए? रोटी खानी है। कौन सी रोटी खाओगे? कौन सी रोटी खाते? बाहर से खाओगे? यहाँ पे कितने टाइम से रहते हो? यहाँ पे कितने टाइम से हो? तीन साल हो गए। अच्छा, यहाँ पे किसके साथ रह रहे हो? अकेले ही रह रहे हो? जोड़ जोड़ जोड़। हाँ, वही वगैरह, मैं तीन साल से यहाँ पे अकेला हूँ और ये घर नहीं किया है, ये अकेले ही रहता है, माँ बाप के साथ नहीं रहता। सच बोल रहे? भाई ये सच बोल रहा है, तो इसकी हेल्प किया भी, हेल्प भी की जाए, मदद की जाए। ये बादशाही मस्जिद में होता है, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ, मगर दूसरा भी करे। ए झूठी। तो जा रहे हैं बादशाही मस्जिद। यहाँ पर होता है खुतबा, यहाँ नमाज अदा की जाती है। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ बड़ी जाती है नमाज, यहाँ खुतबा होता है, जमात होती है, जमात होती है। यहाँ पे अभी सो रहे हैं काफी लोग। इनके अंदर जानवर की रूह आ गई है, जानवरों की तरह ये कर रहे हैं। अंदर से हमने अभी घूम लिया है, अभी हम जा रहे हैं सामने। ये है बादशाही मस्जिद जो आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है और आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको। ये लाहौर है और यहाँ की पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, इसे बादशाही मस्जिद कहते हैं। आप यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ से खड़े होकर यहाँ का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे
मुगल बादशाह नमाज पढ़ते थे और यहाँ पर उनकी पूरी सल्तनत होती थी, यहाँ पर सब नमाज पढ़ते थे, यहाँ पर भी पढ़ते थे, वहाँ पर भी पढ़ते थे। और इसके आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा गेट्स हैं, बहुत 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 ही ज़्यादा बड़ा है। और आप यहाँ पर ज़रूर आए, विजिट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं वापसी, फैमिली की बात करवाई कॉल पे, और मम्मी और अदीला घर पर है तो उनकी बात कराई है मैंने वीडियो कॉल पे, और उन्हें दिखाया है सब कुछ, बादशाही मस्जिद वगैरह। और अभी हम जा रहे हैं बादशाही मस्जिद से बाहर, अभी हम निकल रहे हैं गेट से बाहर और सामने है बादशाही मस्जिद। यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बादशाही मस्जिद। ये टिकट काउंटर है, टिकट लेते हैं यहाँ से। अभी टिकट्स ले ली हैं मैंने, ये सब ने टिकट्स ले ली हैं। और चलो भाई एंट्री लो, एंट्री लो। अभी सबकी हो रही एंट्री, मेरी फैमिली जा रही है, ले ली ले ली। तो अभी जाते हैं अंदर, मैं इस तरफ से चले जाता हूँ इस भाई के पास से। टिकट शेड्यूल है, एडल्ट के हैं 50, फॉरेनर्स के हैं 500, और 5 से 12 साल के हैं 30 रुपये। अभी चलते हैं अंदर, यहाँ पे ये फ्रंट गेट है यहाँ का, तो यहाँ से चलते हैं अंदर। अंदर एंटर हो चुके हैं और ये है गाड़ी, ये अंदर का टूर करवाती है। यहाँ पे शॉप्स वगैरह खुल गई हैं, बादशाही देख सकते हैं, बादशाही मस्जिद के बिल्कुल पास ही था ये। तो ये आए लाल किला के रास्ते, आप देख सकते हैं इस तरीके का रास्ते हैं यहाँ के। इंजॉय तो हम बहुत कर रहे हैं मगर घूम घूम के यहाँ थक जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आपको शॉर्ट शॉर्ट दिखाएंगे। और अभी हम यहाँ ऊपर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पार्क है। और अभी हम जाएंगे दीवाने ख़ास में, यहाँ पर इनके फैसले होते थे मुग़ल सल्तनत के, जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी ऋतिक रोशन की फिल्म है मुग़ल सल्तनत, कोई इसी नाम की है, उस फिल्म में बिल्कुल ऐसे ही दरबार लगता था और मुग़ल जो बादशाह थे वो फैसला सुनाते थे। तो आप देख सकते हैं लोग इंजॉय कर रहे हैं, लोग खाने पीने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग घूमने आ रहे हैं, और मैं भी घूम घूम कर थक गया हूँ, पैर दर्द हो रहे हैं मेरे। तो आप ये देख सकते हैं दीवाने आम इधर लिखा हुआ है, और ये पूरे इनके सल्तनत का एक हिस्सा है। यहाँ पर बादशाह बैठते थे और अपना पूरे जो हुक्म वगैरह होते थे वो सुनाते थे, वो ऊपर की साइड बैठने की है मैंने आपको जैसा पहले बताया। और यहाँ पर उनकी आवाम उनका फैसला, जो उनके ख़ास मेहमान और जो उनके वजीर बादशाह वगैरह जो भी इनके जो होते थे करीबी, वो यहाँ पे करीबी नीचे होते थे, जो जैसे वजीर खारजा होता है हमारा, वजीर खजाना, ये वो सब होते थे, वो इनके यहाँ खड़े होते थे, ऊपर होता था बादशाह, और यहाँ पर होती थी उनकी पूरी सल्तनत, जो बाहर के रिहायशी होते थे उनके लिए फैसला सुनाते थे। और यहाँ पर बैठता था मुग़ल बादशाह और यहाँ पर होता था सारा इनकी सल्तनत। तो फिलहाल यहाँ पर आ गए हैं, तो अभी जाएंगे दूसरी साइड, ये भी देख लिए, जो सर फिल्म में बनाया बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। तो ये है जोधा का महल,
जो के बादशाह की वाइफ थी, वो अपनी कनीज़ों के साथ यहाँ पर बैठ कर अपना टाइम स्पेंड करती थी। इसके बीच में पानी होता था, यहाँ पर साइड पे कबूतर ही कबूतर होते थे और यहाँ पर टाइम स्पेंड किया जाता था। देख सकते हैं हमारी बीवियों के लिए ये जितना कनीज़ों का बैठने का कमरा है, इतना हमारा कमरे होते हैं, और इनके लिए पूरा महल बनाया है बगैर धोने। तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या भीख मांगे? देखो तो सही, ये इतना बड़ा दिव्य कनीज़ों के लिए बनाया है, पर हम क्या पागल हैं? इधर हम लोग को भी 120-240 गज की जगह प्रोवाइड की जाए हम लोग को यहाँ पर, वरना तो हम तो अब धरना कर देंगे। और क्या, ये देखो ये भाई, इतनी बड़ी जगह, बेचारे हमारे लोग इधर बाहर रोडों पे सो रहे हैं, उनको दी जाए। बोला देखो भाई, तुम्हारी बादशाहों की है, तुम लोग इस पर अपना हक जताओ और रहो इसमें। तो देखें आप, बहुत बड़ी जगह है। और ये था उनकी महारानी जोधा का कमरा, जो वहाँ से यहाँ जहांगीर ख्वाब का, अच्छा जहांगीर का था, तो ये बादशाह का था, इनकी वाइफ का नहीं, बादशाह का था। तो अभी देखते हैं जाकर अंदर। तो ये है बेडरूम इनका, और अभी ये बंद है, 2:30 बजे ओपन होगा। अब ये दरवाजे की खूबसूरती देख सकते हैं। उस जमाने में कितनी मेहनत करके ये इनके जो गुलाम होते थे उनसे बनवाया जाता था। हम देख रहे हैं हर चीज़ में खूबसूरती है, हर एक चीज़, हर एक दीवार में अपनी खूबसूरती है। तो ये है दीवान खास, यहाँ पर जितने भी जो बादशाह के ख़ास ख़ास बंदे थे वो यहीं आते थे, और उनकी मीटिंग्स वगैरह समझो यहीं होती थी। यहाँ से आने के बाद भी आप देख सकते हैं लाल किले की हद कितनी बड़ी है। हम तो जूते उतार के ऊपर चढ़े हैं, मगर सब जूते के साथ ही हैं। फिलहाल मैं अपने जूते पहन लेता हूँ, पैक खत्म। और यहाँ की चल रही है रिपेयरिंग। कुआं जिसमें से पानी वगैरह आता था, और यहाँ स्विमिंग पूल वगैरह। और यहाँ पर है शीश महल, जा रहे हैं शीश महल की तरफ। ये बैर वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये है शीश महल, सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने चले गए थे।
तो अभी जाते हैं, सब साथ ही जा रहे हैं। एक टिकट दे दे, एक अंदर ब्लॉगिंग वीडियो बनानी है। हाँ, क्यों बोला, ऐसी वीडियो नहीं बना सकते? क्यों वीडियो अलाउ क्यों नहीं है? टिकटॉक है भाई, यहाँ इसका टिकट लेना है। और नॉर्मली वीडियो भी अलाउ नहीं। चल यार, अंदर वीडियोस वगैरह अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से हम अंदर नहीं जा रहे। तो हमें तो आपको ही दिखाना है, तो आपके लिए ही अंदर जा रहे थे हम, मगर अंदर अलाउ ही नहीं है व्लॉगिंग वीडियो, तो इस वजह से इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे। तो अभी हम भागे हैं बाहर, और अभी जाते हैं रूम में आराम करते हैं। आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है आपको। टेक केयर, बाय, गुड बाय।